हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता आपकी क्रिएटिविटी। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप मेरे से काम को पसंद आ रहा है, मैं आपको पसंद आ रहा हूँ, वही मेरा छोटा सा प्रयास कर रहे थे, पसंद जैसे आ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑनियन का छिलका से लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, वो हमारे प्लांट के लिए कितना उपयोगी है, वो ग्रोइंग में बहुत ही यूजफुल है। ये देखो, ये है प्लांट, ये प्याज का छिलका। रात भर इसको पानी में मैंने भिगो रखा है। ये भी प्याज भी फर्टिलाइज़र के लिए बहुत उपयोगी है। इसको आप फर्टिलाइज्ड कर सकते हो, पर उसकी पानी लिक्विड प्लांट के लिए भी बहुत उपयोगी है। इससे ग्रोइंग अच्छा से होता है। एक लीटर ये पानी आप ग्रोइंग प्लांट में पॉट में सारे अब डाल दो, लेकिन अच्छे से ग्रो होंगे। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्लांट को सिंचाई कैसे करनी चाहिए। इस तरह पाइप से ही सिंचाई करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्या होता है, ऊपर से नीचे तक सारे प्लांट में लग जाता है और मिट्टी में भी पानी रहता है जो जड़ तक चला जाता है। इस तरह ही सिंचाई करो। दो दिन पे अब मौसम धूप निकलने लगा है, तो दो दिन पे आप सारे प्लांट को अच्छी तरह से नहा दो। प्लांट को नहाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 5 मिनट तक।
इससे क्या होता है, धूल वूल जितना भी प्लांट के लिप्स में है सारे धुल जाते हैं, लोड खत्म हो जाते हैं। ये भी बेचारे धूप में नहाने के बाद हरियाली बनी रहती है इसकी। ओके अब इस तरह प्लांट करोगे तो पौधे भी हंसते खेलते रहेंगे और सही सही वो खुश होकर अच्छे फल देंगे आपको। इसलिए ज़रूरी है सिंचाई करना भी पौधों को। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आएगा। अब मैं दूसरे वीडियो को के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपको आपके साथ फिर से। ओके बाय।